गाइस, हमारी हलीशा दो शोज़ में नज़र आ सकती हैं। जैसे कि अपडेट आया है, हमारी हलीशा जो है दो शोज़ में नज़र आ सकती है। एक तो नज़र शो है, नज़र सीज़न टू आ रहा है। नज़र शो जो है वो स्टार प्लस पे था एंड वो शो अभी ऑफर हो चुका है। उसका सीज़न टू लाने का बात चल रही है एंड सीज़न टू पे हमारे हलीशा को कास्ट किया जा सकता है। अगर वो फ्री होएगी तो उनको ऑफ़र आ सकता है एंड कास्ट भी किया जा सकता है। तो और एक चीज़ बता दूँ, और एक शो का नेम है स्वरागिनी। स्वरागिनी शो में तेजस्विनी प्रकाश और हलीशा ने किया था लीड रोल, दोनों ने ही लीड रोल किया था एंड हमारे हलीशा जो है उन्होंने स्वरा का रोल प्ले किया था। अब सीज़न टू में उनको लाने की बातें चल रही है। जो जो पुराने पुराने शोज होते हैं कलर्स टीवी पर मोस्ट पॉपुलर, वो सारे शोज जब चलते थे, मतलब जब ऑफर नहीं होते हुए थे, ऑन ईयर पर थे, तब वो लोग टॉप फाइव में जो जो शोज आया करते थे, उस सारे शोज को फिर से दोबारा लाया जा रहा है। फिर से कलर्स टीवी वाले दोबारा उस शो को जो है सीज़न टू ला रहे हैं। जैसे कि इश्क में मजाओ सीज़न टू जैसे आया था, वैसे ही सारे शोज़ के अभी सीज़न टू आने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि थपकी प्यार की आ रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो थपकी प्यार की सीज़न वन पर जो है जिज्ञासा सिंह ने किया था, तो सीज़न टू पर भी जिज्ञासा सिंह ही आई है। आप लोग देखो अभी जो शक्ति शो है, शक्ति शो पर जिज्ञासा सिंह हीर का किरदार जो प्ले करती थी, तो अभी वो अपने शो को छोड़ के, अपने प्रोजेक्ट को छोड़ के थपकी प्यार की सीज़न टू पर नज़र आ रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो जिज्ञासा सिंह को पसंद करती हूँ। थपकी प्यार की सीज़न टू इश्क में मजाओ के जैसे ही बहुत ही पॉपुलर शो है, बट इश्क में मजाओ सीज़न टू बहुत ही कम दिनों में पॉपुलर होता हो, जो भी हो। तो स्वरागिनी शो में हमारे हलीशा को जो है लिया जा सकता है, अगर कास्ट किया जा सकता है कोई, अगर वो फ्री हुई, अगर तेजस्विनी प्रकाश अगर फ्री हुई तो दोनों को ही कास्ट किया जाएगा। तो यही था बस अपडेट, चल मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में।